विक्ट्री ऐसी है, सुनलियां तो चढ़नी चाहिए, जिनको पूरा यकीन था कि आज हमने मैसिव विक्ट्री हासिल करनी है भाई। घर के अंदर बुला के ऐसे जीतना ये सिर्फ इंडिया कर सकती है। यकीन करें कि जो भारत इस वक्त क्रिकेट खेल रहा है, ऐसी तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी अपने घर में नहीं खेलता, ऑस्ट्रेलिया में भी जाके दूसरी टीमें परफॉर्मेंस करके दिखा देती है, लेकिन जो भारत इस वक्त अपने घर के अंदर क्रिकेट खेल रहा है इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये अपने घर के अंदर एक तो आपको बुलाते हैं, आपको हराते हैं, फिर आपकी इज्जत भी एक तरीके से जिसको कहते हैं ना डुबो के रख देते हैं, इतनी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, ऐसी विक्ट्री लेके जाते हैं, एक तो आपको व्हाइट वॉश भी करेंगे और फिर आप ऐसे बुरे तरीके से हार के जाओगे कि आप किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकते। द रियल बाप ऑफ क्रिकेट इज भारत की टीम, इंडियन टीम। सच्ची में इंग्लैंड, लोग कहते हैं इंग्लैंड ने क्रिकेट को दरियाफ्त किया, लेकिन आज वक्त जो क्रिकेट के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है ना वो इंडिया है। इस वजह से कहते हैं क्रिकेट के अंदर डोमिनेट कर रहा है, रियल डोमिनेशन जो होती है ना वो करके दिखा रहा है कि T20 का हाईएस्ट टोटल भी भारत के पास आ गया, और ये इनके पास आना चाहिए था, इस टीम के पास होना चाहिए, दुनिया की सबसे बड़ी T20 के लिए ये लोग करवा रहे हैं, और ये इन्हीं की टीम को सूट करता है कि T20 का हाईएस्ट टोटल ये लोग रखे 297। कोई सोच भी सकता है, कोई ये थिंकिंग भी कर सकता है कि 297 कोई टीम मार देगी T20 के अंदर। पाकिस्तानी टीम के तो ख्वाबों के अंदर भी जो टीम 300 के करीब नहीं जा सकते, इनका मैक्सिमम जो थिंकिंग होगी ना 240-250 की होगी, वो पकड़े 300 कर गए हैं, और अगले किसी और मैच के अंदर उन्होंने जिसको कहते हैं ना सारे 300 भी चले जाना है। अगर वो टीम 10 ओवर में 150 कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है, अगर एक ओवर में 5 छक्के मार सकते हैं तो वो ऐसे लगातार 3-4 ओवर में 5 छक्के मार सकते हैं। उनके पास ऐसी जात का प्लेयर है जिसका मुकाबला ही नहीं है। पिछले मैच के अंदर नीतीश कुमार रेड्डी को तारीफे कर रहे थे, क्या प्लेयर है, ये प्लेयर है, उसको देख के लग रहा था हमारे पास कुछ है ही नहीं। आज के मैच के अंदर संजू सैमसन आ गया, हर मैच के अंदर अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, रिंकू सिंह, रियान पराग, संजू सैमसन, किस किस प्लेयर को एक्सप्लेन करें, कहां से लाते हो इतने प्लेयर, किस जगह से ये प्लेयर्स आते हैं, कहां से उठा के लाते हो। जो आता है वो परफॉर्मेंस करके दिखाता है, जो आता है वो अपनी टीम को मुकाबले जितवाता है, जो आता है वो ऐसी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाता है, बयान ही नहीं कर सकते। बल्लेबाज तो है ही है, बॉलर भी कम नहीं है, वो रवि बिश्नोई जिसने जो लगातार टीम में खेलता ही नहीं है, इन आउट रहता है, उसने 50 विकेट ले लिए T20 के अंदर, पता भी चला उसने 50 विकेट लेके चला गया, हालांकि उनका लगातार खेलने वाला प्लेयर नहीं है, कभी खेलता कभी नहीं खेलता, आज मैच खेला मैन ऑफ द मैच बन गया, आईसीसी रैंकिंग में टॉप पे है। ये होते हैं प्लेयर्स कि जब मौका मिले परफॉर्मेंस करते हैं, खाली बल्लेबाज नहीं, स्पिनर्स नहीं, फास्ट बॉलर भी इनके पास शानदार आ रहे हैं, मयंक यादव पहली बॉल में विकेट लेके जा रहा है, ये मैटर करती है चीजें, ये इंपॉर्टेंट होती है जो इस वक्त भारत ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना। इन्होंने खाली बांग्लादेश को हराया नहीं है, इन्होंने एक तरीके से दूसरी जितनी भी T20 की बड़ी टीम है उनको दिखाया है कि हम वी आर दी रियल चैंपियन, सही मायनों में जो चैंपियन टीम है ना वो हम है, ये हमारी टीम है, तो हम कभी भी किसी को भी चेंज कर सकते हैं, किसी के भी क्रिकेट को बर्बाद कर सकते हैं। सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तारीफ बनती है यार, भुला तारीफ बनती है हार्दिक पांड्या की, एक तरफ आपका शाहीन है, एक तरफ हार्दिक पांड्या जिसको कैप्टनसी मिलनी चाहिए थी, जिसका हक था उसको कप्तानी नहीं मिली, और उसके बावजूद सबसे ज्यादा एफर्ट बॉलिंग फील्डिंग बल्लेबाजी के अंदर हार्दिक पांड्या लगा रहा है, ये चीज देखो ना, ये होती है टीम स्पिरिट। जी तो जनाब, संजू सैमसन का नाम तो आपने सुना होगा, और आज संजू सैमसन का काम भी आपने देख लिया। संजू सैमसन आज बांग्लादेश के अगेंस्ट अपने हाथ में बैट नहीं बल्कि कलहाड़ा लेके आए हुए थे, और उस कलहाड़े के साथ बांग्लादेश का कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसको संजू सैमसन ने जो है वो आप ये कह सकते हैं छन्नी ना किया हो। इतनी धुलाई यार, इतनी धुलाई, इंडिया का जो बैटर आया उसने बांग्लादेश के जो बॉलर्स हैं उनको आप ये कह सकते हैं छट्टी का दूध याद करवा दिया है। 297 रन हम कभी कभी T20 में छोड़े हैं, ODI में बनते हुए नहीं देखते थे, और हमारी पाकिस्तान की टीम आज भी 250 से ऊपर नहीं जाती है T20 में, बल्कि टेस्ट में भी वो नहीं जाते हैं, ODI में भी नहीं जाते हैं, और यहां पर इंडिया की टीम ने अपना जो है वो हाईएस्ट रन T20 में बना लिया भाई, 297 रन। अभी मैं लाइव आ रहा था, कोई मसला आ रहा था, लाइव नहीं आ सका, लेकिन मैंने सोचा वीडियो बना के डाल देते हैं। लेकिन ये जो बैटिंग हुई है ना, तोबा 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 तोबा, मैंने अपनी लाइफ में इस तरह की बैटिंग नहीं देखी होगी यार, क्या बैटिंग थी भाई। 47 बॉलें, 111 रन्स, संजू सैमसन 11 चौके 8 छक्के, छक्कों की बारिश हो गई अगर ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। और पूरे मैच में अभी तक जो मैच हुआ है, पहली इनिंग्स में 22 छक्के लगा दिए इंडिया के बल्लेबाजों ने। सूर्या कुमार यादव 35 बॉलें, 75 रन, 8 चौके 5 छक्के, 214 का स्ट्राइक रेट। रियान पराग 13 बॉलें, 34 रन, 1 चौका 4 छक्के। हार्दिक पांड्या वाह, 18 बॉलें, 47 रन, 4 चौके 4 छक्के। इन चार बल्लेबाजों ने आज ये कह सकते हैं आपके भाई कमाल कर दिया है।
ऐसी बैटिंग यार मैंने नहीं देखी है कभी कि बिल्कुल ही जो है बॉलर्स को बकरी बना देना यार। 5 छक्के एक ओवर में जो है वो संजू सैमसन ने लगा दिए, पहले जो है 4 चौके जो है लगाए तस्कीन को, उसके बाद जो है 5 छक्के एक ओवर में लगा दिए। ये होती है फेयरलेस बैटिंग, जब आप जो है वो यंगस्टर को मौका देते हैं ना वो आपको ये करके देते हैं। संजू सैमसन लास्ट मैचेस में फेल हुए, बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन आज संजू सैमसन ने सारे ताने धो के रख दिए हैं और ये बता दिया कि इस टाइम इंडिया के लिए बेहतरीन ओपनर संजू सैमसन T20 में है। क्या बैटिंग यार, पहले ओवर में थोड़ा सा रोका और उसके बाद ऐसा मारा कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और ये नहीं है कि जो है वो कोई बॉलिंग जो है वो बिल्कुल ही थर्ड क्लास हो रही थी, और नहीं, अच्छे अच्छे बॉल्स पे भी छक्के उठा के मारे संजू सैमसन ने। तो भाई साहब जो है वो आप ये कह सकते हैं कि टांगों का इतना अच्छा यूज किया है ना, कभी वो बंदा जो है रोम बना के पीछे जाके छक्का मार रहा है, कभी वो आगे जाके जो है छक्का उठा के मार रहा है। कोई बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे थे बांग्लादेश के बॉलर्स, उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि यार हम बॉल करें तो करें कहां पर, इस बंदे को जहां पर करते हैं वहां से उठा के छक्का मारता है, जहां पर करते हैं वहां से चौका, 8 छक्के 11 चौके। और वो जस्टिस फॉर संजू हमेशा होता है ना, वो सही होता है क्योंकि ये बंदा डिजर्व करता है। और इसकी बैटिंग में यकीन माने इतनी खूबसूरत होती है ना, मैं एक दिन पहले भी बात कर रहा था कि संजू सैमसन क्रीज पे बड़ा कम टाइम रहते हैं, ठीक है, लेकिन इस बंदे की बैटिंग, इसके शॉट्स इतने दिलकश होते हैं ना कि देख के मजा आ जाता है। जिस तरह से ये क्लीन हिटिंग करते हैं, आज भी आप देखें कि मैं जो है बैठा हुआ ऐसे हैरान हो रहा था, यार ये क्या बैटिंग कर रहा है ये बंदा, क्या यार ये कोई मशीन है, क्या है ये कोई किसी रिमोट पे चलता है कि जहां पर बॉल आ रहा है वहां से रूम बना के उठा के छक्का मार रहा है।